वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कवर द नेक्स्ट टॉपिक विच इज अबाउट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इज रेफर्स टू अ सोशल ग्रुप डिजाइन टू अचीव सर्टेन गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप अमंग पीपल वर्किंग फॉर द डिजायर्ड रिजल्ट। सो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है दैट आर अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स द हायरार्की ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप अमंग द वेरियस पर्सन्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू द इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। Next is about organizing process. In first of all, we have to determine and grouping and structuring the various activities. सबसे पहले सारी जो same nature की activities हैं उनके बारे में analyze किया जाता है और उनको एक ही group में डाल दिया जाता है. Creating rules for effective performance at work. Then we have to create the rules and regulations कि किस rules के हिसाब से काम किया जाएगा organization में. एलोकेशन नेसेसरी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद हमको डिफाइन करना पड़ेगा हु इज द सीनियर, हु इज द जूनियर, कौन सा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप है अमंग द एम्प्लॉइज। डिटर्मिनिंग डिजायर्ड प्रोसीजर सिस्टम कौन से फॉलो किए जाएंगे ताकि सारा काम कोऑर्डिनेशन के हिसाब से कंप्लीट हो सके। दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं। फर्स्ट इज फॉर्मल। फॉर्मल मीन्स विच इज अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर चेन ऑफ हायरार्की। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, फर्स्ट इज बॉस, बॉस के नीचे है अंडर बॉस, उसके नीचे सारे जो अदर एम्प्लॉयज हैं, राइट। सो दिस इज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर इज दैट इन विच एवरी वन कैन टॉक टू एनी वन, दैट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स। तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। फर्स्ट इज कंसिडरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाते हैं वी शुड प्रिपेयर इट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन एंड स्टाफ। लाइन और स्टाफ मेंबर्स का कॉम्बिनेशन किया जाता है इसमें। डिवीजन ऑफ लेबर अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन। हम हर एक पर्सन को उसकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग काम देते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, डिपार्टमेंटेशन की जाती है। डिसेंट्रलाइजेशन जो अथॉरिटी है उसको डिसेंट्रलाइज किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन को फॉलो किया जाता है। देयर इज प्रॉपर स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स हर एक पर्सन के अंडर उतने ही इम्प्लॉयज होंगे जिनको वो ईजिली कंट्रोल कर सकता है। देयर इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स एवरी इम्प्लॉय शुड बी आंसरेबल टू ओनली वन बॉस। सिर्फ हर एक एम्प्लॉय के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए जिसकी इंस्ट्रक्शंस उसने फॉलो की करनी है। देयर शुड बी बैलेंस ऑफ वर्क बिटवीन द एम्प्लॉयज। देयर मस्ट बी फ्लेक्सिबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी फ्लेक्सिबल, ताकि अगर हमें चेंज करना पड़े तो उसे इजीली हम चेंज कर सकें। एंड अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप शुड बी क्लियरली डिफाइंड। नेक्स्ट इज अबाउट डिपार्टमेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द एक्टिविटीज इज कॉमनली नोन एज डिपार्टमेंटेशन। सो डिपार्टमेंटेशन में हम बेसिक हर एक सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज का एक ग्रुप बना देते हैं जिसे हम कहते हैं डिपार्टमेंटेशन। इज यूजफुल, इट इज यूजफुल फॉर स्पेशलाइजेशन एंड फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डिपार्टमेंटेशन कंसेप्ट इज अराइज बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, बेसिक फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। अब कौन कौन से बेसिस पे डिपार्टमेंट्स बनाए जा सकते हैं। डिपार्टमेंटेशन फंक्शंस के बेस पे मतलब प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऐसे हम सारे फंक्शंस को अलग अलग कर सकते हैं। या फिर ऑर्गेनाइजेशन अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है तो आप प्रोडक्ट्स के बेस पे अलग अलग डिपार्टमेंट बना सकते हो, या अलग अलग लोकेशन के हिसाब से आप डिपार्टमेंट्स बना सकते हो। डिपार्टमेंटेशन बाय टाइम भी कर सकते हो, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एक पर्टिकुलर एक्टिविटीज को एक डिपार्टमेंट हमने बना दिया। या ग्रुपिंग बाय प्रोसेस और इक्विपमेंट, या प्रोसेस के हिसाब से और जो जो इक्विपमेंट्स हमने यूज करने हैं अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में उसके हिसाब से हम डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं। You can see the example of departmentation by function. Here the department is maintained according to the function like production, marketing, finance, personnel. These are the various functions. So departments are based according to the these functions. Next is departmentation by product. For example, product A and product B. We have to make two departments according to different products in which we are dealing, and all the functions are covered under these departments. Next is departmentation by time. For example, there is a particular process, spinning, how much time is taken in spinning, in dyeing, in weaving, in finishing. On that basis, departments can be maintained.
डिपार्टमेंटेशन बाय लोकेशन और टेरिटरीज, फॉर एग्जांपल जलंधर डिवीजन इज डिफरेंट, ईस्टर्न जोन इज डिफरेंट, सेंट्रल जोन इज डिफरेंट, नॉर्थर्न जोन इज डिफरेंट, सो यू कैन मेक द डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया. नेक्स्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द सिस्टमैटिक एफर्ट टू डेलीगेट द लोएस्ट लेवल ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट दैट विच कैन ओनली बी एक्सरसाइज एट सेंट्रल पॉइंट्स. डिसेंट्रलाइजेशन इज कंसर्न्ड विद द प्लेसमेंट ऑफ अथॉरिटी विद रेफरेंस टू रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो जब भी किसी एम्प्लॉय को किसी काम कोई काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी तो उसको परफॉर्म करने के लिए जितनी उसे एडिक्वेट अथॉरिटी चाहिए उतनी अथॉरिटी भी साथ में दी जाएगी. और जब हम उसे वो अथॉरिटी देंगे वो पावर देंगे दैट अथॉरिटी इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी. जब हम अपनी अथॉरिटी एम्प्लॉयज में डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिवन टू दैम. इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? एम्प्लॉयज कैन टेक क्विक डिसीजन, उनकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज होगी, डेमोक्रेटाइजेशन के हिसाब से वो काम कर सकते हैं और उनका मोरल इंक्रीज होगा. डिसएडवांटेजेस क्या है? वायलेटिंग यूनिटी ऑफ कमांड. नेक्स्ट इज मिस यूज ऑफ पावर. ठीक है, इसलिए पावर को मिस यूज किया जा सकता है. नेक्स्ट इज देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स. फर्स्ट इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. लाइन ऑर्गेनाइजेशन दो हिसाब से होता है, प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन. इट इज ऑल्सो नोन एज स्केलर मिलिट्री और वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड परहैप्स इज द ओल्डेस्ट फॉर्म. सो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली जो पर्सन सेम लाइन में काम कर रहे हैं सेम पोजिशन में दे ऑल हैव सिमिलर पावर सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. नेक्स्ट इज अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स. लाइन ऑर्गेनाइजेशन लाइन अथॉरिटी एंड इंस्ट्रक्शन आर वर्टिकल दैट इज दे फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन्ड, ऑल द पर्सन आर एट द सेम लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दिस स्ट्रक्चर स्पेसिफाई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी फॉर ऑल द पोजिशन लिमिटिंग द एरिया ऑफ एक्शन. सो बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है. ठीक है, सेम लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो करते हैं सभी. ठीक है, मैरिट्स क्या है? इट इज सिंपल. डिसिप्लिन कैन बी मेंटेन्ड, इजी डिसीजंस मेकिंग हो सकती है, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सकती है. डी मैरिट्स में क्या आता है कि लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन. अब इसमें सभी के पास सेम अथॉरिटी है सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी बंदा एक अपने पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज नहीं होगा. एब्सेंस ऑफ कंसेप्चुअल थिंकिंग हो सकता है, ऑटोक्रेटिक अप्रोच हो सकता है. ठीक है, या फिर प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन हो सकता है. नेक्स्ट इज अबाउट द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज फंक्शनल, जिसमें हम जो हमारे बेसिक फंक्शंस है लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिक, डायरेक्टिंग, उन फंक्शंस के हिसाब से जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. सो फंक्शनल स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड बाय ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस. फीचर्स क्या है? होल एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू फंक्शंस. पहले हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज को फंक्शंस के हिसाब से क्लासिफाई कर लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं. ईच फंक्शन एरिया इज पुट अंडर द चार्ज ऑफ वन एग्जीक्यूटिव. फॉर एनी डिसीजन वन हैज टू कंसल्ट द फंक्शन स्पेशलिस्ट. लिमिटेड स्पैन ऑफ कंट्रोल इज देयर. ठीक है, सो नाउ यू कैन सी इन द डायग्राम द बेसिक फंक्शंस लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सोनल. These are the basic departments. Then they have to consult with each other for implementing the plan number 1 and plan number 2. Next is about merits and demerits. Functional organization में हम specialization के हिसाब से काम दे रहे हैं. ठीक है, तो सभी को same काम नहीं दिया जा रहा. Every person who is specialized in his field उसको वही activities दी जा रही हैं. Clarity of functioning है between the employees. Duplication नहीं हो सकती. सेटिस्फेक्शन एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट प्रॉपर हो सकता है. डीमेरिट्स क्या है? कॉल फॉर कोऑर्डिनेशन. इसमें कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आती है बिकॉज हर एक लेवल का बंदा खुद को मैनेजर कहता है. ठीक है, तो उसमें उनको लगता है कि किसी को लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, मेरे डिसीजन फॉलो होने चाहिए. दूसरे को ये लग सकता है कि नहीं, उसके डिसीजन ज्यादा अच्छे हैं. तो क्लियर लाइन्स ऑफ अथॉरिटी नहीं है, स्लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो जाता है. नेक्स्ट इज लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. सो इन दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लाइन मैनेजर्स भी हैं जो बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, प्लस उन्हें एडवाइस करने के लिए हम कुछ स्पेशलिस्ट बंदे साथ में रखते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टाफ मेंबर्स. सो लाइन पीपल विल गिव एडवाइस. द स्टाफ पीपल हैव द राइट टू रिकमेंड बट हैव नो अथॉरिटी टू एनफोर्स देयर प्रेफरेंस. सो लाइन मेंबर्स को एडवाइस दे सकते हैं स्टाफ मेंबर्स, लेकिन स्टाफ मेंबर्स ये फोर्स नहीं कर सकते कि उनकी जो एडवाइस है वो इम्प्लीमेंट की जाए.
फीचर्स क्या हैं? दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन टू एस्पेक्ट, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। प्लानिंग किसी और के हाथ में है, ठीक है, एग्जीक्यूशन किसी और के हाथ में है। स्टाफ ऑफिसर प्रोवाइड एडवाइस ओनली, वो सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं लाइन ऑफिसर्स को। द स्टाफ सप्लीमेंट्स द लाइन ऑफिसर्स। नाउ नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस। अब इसके क्या एडवांटेजेस हैं? इसमें फंक्शनल स्पेशलिस्ट ऐड हो गए, आपको एक्सपर्ट नॉलेज मिल सकती है, ठीक है, एक्सपर्ट एडवाइस अवेलेबल है आपके पास, आप बेटर यूटिलाइजेशन करते कर सकते हो स्किल्स का। लेकिन वहीं पे डीमेरिट्स क्या है? लाइन और स्टाफ मेंबर्स में आपस में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, जेलसीज हो सकती हैं, जिसके कारण हो सकता है कि जो भी आप डिसीजन मेकिंग है वो डिले हो जाए या कोऑर्डिनेशन के साथ काम ना हो। तो देयर इज अ सिस्टम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लाइन एंड स्टाफ। Most frequently, line and staff relations become potent source of friction, inefficiency, and organization ill health. Rivalry between them very often takes the form of animosity. Both line and staff have their own viewpoints to offer relative to their problem. So basically, दोनों में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, जिसके कारण organization की working जो है वो affected हो सकती है। नेक्स्ट इज अबाउट द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या किया जाता है? इट स्ट्रक्चर इज द रियलाइजेशन ऑफ टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर विच एनिमेट्स डायरेक्टली फ्रॉम टू डायमेंशन ऑफ अथॉरिटी। इन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अ प्रोजेक्ट मैनेजर इज अपॉइंटेड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ अ प्रोजेक्ट। सो इसमें बेसिकली वर्क इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, और एक प्रोजेक्ट मैनेजर हम अपॉइंट करते हैं जो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की सारी एक्टिविटीज को अंडर। Now you can see in the diagram, project A, project B, project C, project D. सभी projects के लिए one production manager is there, one marketing manager is there, one finance manager is there and one personal manager is there. So merits क्या है? It offers operational freedom and flexibility. अब manager, production manager एक ही है तो उसके पास freedom है कि वो अपने तरीके से काम कर सकता है। It focus on end result, it maintain professional identity, it holds an employee responsible for the management of resources. आप easily अगर कोई भी काम कुछ गलत होता है तो easily आप identify कर सकते हो कि किसकी responsibility थी और कौन इसके लिए responsible है। Demerits क्या है? It calls for greater degree of coordination. It violates unity of command. Unity of command का principle यहाँ पे खत्म हो गया, क्योंकि employees जो हैं, juniors जो हैं, वो कितने सारे managers के control में हैं। Difficulty to define authority and responsibility and employees may get demotivated. Next is committee organization structure. Committee organization structure refers to a separate type of organization like line and staff or functional. A committee may be defined as a group of people performing some aspect of managerial functions. For example, now you can see in the diagram, finance committee is different, purchase committee is different, executive committee is different. They can take decisions and then decisions will be followed by the production manager, marketing manager, finance manager and then personal manager. So merits kya hai? Pooling of knowledge, you can take the advantage of expert knowledge, experts aapke saath hain. Effective coordination is available, effective communication is available, motivation through participation of employees. Employees who are participating in decision making, then they will feel motivated. बट इसमें क्योंकि एम्प्लॉयज आपके ज्यादा हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं, लाइन मैनेजर्स भी हैं, देन इट विल बी स्लो डिसीजन मेकिंग विल बी देयर, एक्सपेंसिव होगा, आपको एक ही चीज के लिए आपने दो दो मैनेजर्स रखे हुए हैं, डिफिकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी एंड कॉम्प्रोमाइज। नेक्स्ट इज बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। प्रॉब्लम्स विद ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब जो पुराने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स थे उनमें कई प्रॉब्लम्स थी, लाइक स्लो इन रिस्पॉन्डिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, फेलियर टू गेट द थिंग्स डन, कस्टमर हैज अ हार्ड टाइम डीलिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंजिंग मिशन नीड्स। उसके लिए एक नया कंसेप्ट शुरू किया गया विच इज बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इट मे बी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट कैन अवॉइड ऑल द बैरियर्स। बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन अलाउ फ्री फ्लो ऑफ आइडिया एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज throughout the organization and into their others at the name
इंडिकेट्स अ बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन एलिमिनेट्स इंटरनेशनल बाउंड्रीज अमंग सब सिस्टम एंड एक्सटर्नल बाउंड्रीज विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो बेसिकली इसमें क्या है कि एक हेड ऑर्गेनाइजेशन बना दी जाती है जिसके रूल्स रेगुलेशन ही बाकी सारी अदर ऑर्गेनाइजेशन या सब यूनिट्स फॉलो करेंगे। तो सेम रूल्स एंड रेगुलेशन ही सभी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो किए जाते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं कि बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज टीम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। A particular work is done through a particular team in this type of organization structure. A structure in which the entire organization is made up of work or group or teams is known as team structure. The team structure are both permanent team structure भी हो सकता है, temporary किसी particular काम के लिए अलग team बनाई जा सकती है, so temporary structure भी हो सकता है. We report to each other is the main feature of team structure. It leads to boundary less organization in a borderless world. In team structure we find cross functional teams meant for improving lateral relationships, solving problems. एक पर्टिकुलर सॉल्व करने के लिए, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आप अलग टीम, एक प्रोफेशनल की टीम तैयार करके वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉलो करते कर सकते हो जितनी देर वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो सकती। सो दिस वॉज द होल टॉपिक फॉर टूडे। नेक्स्ट टाइम वी विल मीट विद द न्यू टॉपिक। थैंक यू।